इतनी बेइज्जती तो जिंदगी में कभी किसी ने न करी, मैं इतना किसी से बहस की हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। अभी सुबह हो चुकी है, 11 बज रहे हैं सुबह के, 11 बज रहे हैं। नैन्सी इधर चाय बना रही, लाइट जला लो नैन्सी। नैन्सी चाय बना रही, अभी मैं नहा के आई हूँ, पूजा वगैरह करी हूँ, तो हमको उधर जाने दो रानी थोड़ा सा। नैन्सी की चाय बनने जा रही है, एक बार मैं बनाई थी सुबह जगी थी तो, और मैं जा रही हूँ बाहर नाश्ता लेने इन लोगों के लिए। वेदर तो बहुत ही खराब है यहाँ का, आज बिल्कुल धूप नहीं निकली, अभी तक इतना कोहरा छाया हुआ है, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कल से ठीक हो जाएगा, नैन्सी रोज बोलती है कल से ठीक हो जाएगा, से नहीं था, ट्यूसडे से है। चलो चलो चलो, बहुत ठंडी है, ऐसा वेदर है कि इंसान बाहर नहीं निकल सकता, ना आग जला सकता, घर के अंदर आग भी नहीं जला सकते। नैन्सी की चाय खुट खुट शुरू हो गई है, तो नैन्सी जान तो मैं चली सामान लेने, आप लोग भी मेरे साथ चलिए। उधर पूजा वगैरह हो रखी है, भगवान की जोत चल रही है, आशीर्वाद ले लीजिए आप लोग। खराब है यहाँ का, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, क्योंकि लोग अपने अपने जगह, जिसको जहाँ जाना है, किसको ड्यूटी जाना है, किसी को कहीं जाना है, सब अपने अपने काम पे निकल पड़ते हैं सुबह सुबह। मैं भी अपने काम में निकल चुकी हूँ, मुँह से धुआं निकल रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है कि पूछो। यहाँ का मौसम ऐसा हो रखा है कि कुछ पूछो ना, लेकिन सब अपने काम पे निकल चुके हैं। गोभी क्या हिसाब है? आलू इतने बड़े नहीं लेंगे हम, मीडियम दीजिए। बड़े आलू बेकार होते हैं, खाने में अच्छे नहीं होते हैं। गाइज, यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ, एक सब्जी बन चुकी है मेरी आलू और पत्ता गोभी की, कल की आधी रखी हुई थी तो उसको भी मैंने बना दिया था एक आलू डाल के। अभी मैं दूसरी सब्जी बना रही हूँ, तो उस टाइम मैं बोली नहीं थी, मेरे खांसी बहुत आ रही, तो उसकी वजह से पूरा गला ख़राब हो रखा है। तो यहाँ पर मैं सेम वैसे ही जैसे रोज़ बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ, गोभी और आलू को ऐसे ही, मतलब फ्राई नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ, नॉर्मल तरीके से बना रही हूँ। और मटर डाली हूँ, तो सेम अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रखी हूँ, इसको सब मैं डाल के एक ही साथ पूरा टमाटर वगैरह, और ढक के रख दूँगी। सूखी सब्जी बना रही थी, ग्रेवी वाली नहीं है, सूखी है, तो ऐसे ही सारा कुछ डाल के, नमक उमक डाल के ढक के रख दूँगी, पक जाएगी। बहुत जल्दी पक गई थी, तो नॉर्मली तरीके से बनाया। नैन्सी को इतनी ठंडी लग रही है, सब लोग देख लो, बिस्तर में पूरे दिन बैठी रहती हैं,
मैं टीवी के आवाज कम कर दो, बहुत तेज है ये। स्कार्फ उसका पूरा बांध के, मफलर, टोपी, कंटोपा सब लगा के बैठी रहती है। इनको इतनी ठंडी लगती है। अब इस टाइम 8:20 हो रहा है, इनको अब चिप्स खाना है। तो चिप्स के लिए बोल रही हैं कि चिप्स फ्राई कर दीजिए तो मैं खाऊंगा, तल दो उसको, भूख लगी है, पेट दिखा रही है। तो मैं चली अब कुछ स्नैक्स बनाने इन लोग के लिए। इन लोग के लिए क्या, नैन्सी के लिए ना, नैन्सी खाएंगी, बाकी तो सारे दुश्मन बैठे हुए हैं ना। नैन्सी ज़्यादा नहीं क्या, देखा है वो, देखो निकल दिए। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओ ये क्या हाथ बोला है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्या है, अरे देखो निकल ली उधर, देखो किनारे में। आपको दिखा रही हूँ नैन्सी कुछ बना रही हैं। अभी रात को बज रहा है 9:10 और नैन्सी यहाँ कुछ कारिस्तानी कर रही हैं। आज नैन्सी मैगी बना रही है, अम्मी वाली, आलू मटर डाल के। नैन्सी वाओ, हम नैन्सी इधर लेके आए तो दिखाऊं। नैन्सी बना रही है अपने लिए, सिर्फ अपने लिए बना रही हैं बस। बहुत सारा खाना रखा हुआ है, सब्जी दोपहर की रखी है, इतनी सारी सब्जी, गोभी, आलू मटर की है, ये पत्ता गोभी की सब्जी है, पूड़ी रखी है, चावल रखा है। तो ये अपने लिए यही बना के खा रही हैं। नैन्सी की मैगी यम्मी वाली। नैन्सी इसने मक्खन डाली हुई है। ये वीडियो बन दिया है, सो गाइस जब वीडियो का मैं एंड करूंगी, अभी 9:30 बज रहे हैं। नैन्सी अपने लिए मैगी बनाई है तो ये बैठ के खा रही हैं। इधर एक पैकेट लेके आई थी तो मटर और आलू यही सब डाल के बनाई हैं। मुझे भी थोड़ा सा दी थी खाने के लिए, 2 चम्मच खाया, अच्छी बनाई है। और खाना और रखा हुआ है तो जा रही हूँ रोटी बनाऊंगी। एक लड़का है उसके लिए रोटी बनानी पड़ेगी, वो मैगी नहीं खाया। तो जा रही हूँ रोटी बनाऊंगी, वीडियो का एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर वीडियो में न्यू है तो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।